एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है एसएससी जीडी सी जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के लिए कम से कम प्रीवियस ईयर से 50 से 70 परसेंट क्वेश्चन पूछा जाता है चलिए शुरू करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है या सोलह नवंबर दो का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है क्या है पहला क्वेश्चन मैं आपका दर्शन करने आया हूँ तो बताइए यहाँ मैं आपका नहीं होगा क्या होगा आपके क्या होगा मैं आपके दर्शन करने आया तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर थ्री सही आंसर होगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दिए गए वाक में अब इसमें से हमको बताना है कि कौन सा गलत है या नहीं गलत है तो बताइए प्राचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए तो बताइए इसमें सही है कि सेंटेंस नहीं है तो गलत है कौन सा है को बुलाए गलत होगा तो ऑप्शन नंबर थ्री चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मुझे मज़ा आती है बताइए इसमें से गलत कौन सा जो अंडरलाइन है क्या यह गलत है हाँ गलत है क्योंकि मुझे मज़ा आता है क्या होगा मजा आता है तो इसका कारण क्या है लिंग के कारण क्योंकि यहां स्त्रीलिंग का क्या गया है तो यहाँ स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए पुलिंग का होना चाहिए चलिए आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए शब्द का विलोम चुने बताइए जो शब्द है द्रुत द्रुत का क्या होगा याद यादगा मंथन होता है विलोम शब्द चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न से हमको क्या मुहावरा का अर्थ बताना है कथा के बैगन इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है याद रखिए कथा के बैगन का मुहावरा का अर्थ होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश होता है इसके मुहावरे का अर्थ होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश होता है जितने भी एस एस सी जी डी दो हज़ार बाईस का एक्सपीडेंट है प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर कीजिए क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और सत्तर से अस्सी परसेंट क्वेश्चन इसी से आता है चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही यह एक पूरा सेंटेंस है इस पूरा सेंटेंस का एक वाक क्या होगा सार्थक वाक तो यह होगा क्या होगा किम दमती होगा यह एक पूरा सेंटेंस है वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है इसका क्या है एक सार्थक शब्द तो एक सार्थक शब्द क्या होगा इसका एक किम दमती होगा आप लोग याद रखिएगा अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है सेंटेंस दिया गया डैश से गहने बनते देखिए यह क्या है कि किससे बनते हैं सोने से किससे बनते हैं गहने सोने से गहने बनते इसका मतलब क्या ऑप्शन नंबर तीन सही है क्या होगा ऑप्शन नंबर तीन इसका ऑप्शन नंबर तीन सही है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आंख लगना मुहावरा का अर्थ क्या होता है याद देखिए क्या होगा आंख लगने का मतलब होता है झपकी आना क्या ऑप्शन नंबर टू सही है बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और यही ट्रेंड है आगे भी हिंदी का इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और दो तीन मुहावरे से क्वेश्चन रहते हैं कुछ अनेक शब्द का एक शब्द जो चूज करते हैं उससे होता है और पाँच क्वेश्चन तो आप लोगों का फिक्स है जो गाध्यान से क्वेश्चन आते हैं तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एटी से नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन इजिली टैकल हो जाएगा चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है नाइन का इसमें से बताना है जो सेंटेंस है ना कि कौन सा सेंटेंस में से गलत है अब बताइए स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया ये तो यहाँ पे वह होना ही नहीं चाहिए सीधे होना चाहिए स्टेशन पहुंचते ही फ़ोन कर दिया इसका कहने का मतलब है कि यहाँ वह जो है ना वह गलत है क्या होगा ऑप्शन नंबर तीन चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है सामान्य नियम के विरुद्ध बात अब बताइए एक नॉर्मल है एक पूरा सेंटेंस है कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात अब इसका एक शब्द बोला है क्या करने तो आप लोग को पता है अपवाद होता है अपवाद का मतलब क्या होता है जो जनरल मैटर होता है ना उससे अलग होकर के कुछ ऐसा मैटर होता है जो उससे कुछ डिफरेंट होता है जो हमेशा चलते आ रहा है बट एक अपवाद होता है जो अलग होता है जिसको एक्सेप्शन भी इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन तो मतलब कुछ जो जनरल बात होता है उससे कुछ चीज़ अलग होता है उसी को ये पूरा सेंटेंस उसी को दर्शाता है उसी का एक सेंटेंस क्या हो वाक क्या होगा वर्ड अपवाद होगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है सदभाव सद्भाव का विलोम क्या होगा यहाँ हो, विलोम पूछा है तो क्या होगा सद्भाव का विलोम दुर्भाव होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये सेंटेंस बना है कि तीनों डेमी इसलिए त्रिलोक की नाद करते हैं क्या होगा तीनों भुवनों के स्वा, स्वामी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है गुण दोषों का समरूप मूल्यांकन करने वाले देखिए हमेशा बहुत बार पूछा गया अनेक शब्दों का एक पूरा सेंटेंस दे देता है उसका बोलता है एक शब्द लिखने के लिए वर्ड तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा इस चीज टाइप का कि क्वेश्चन आता है तो तीन से चार क्वेश्चन सीटअप का आएगा दो से तीन क्वेश्चन मुहावरा का आएगा दो से तीन क्वेश्चन विलोम का आएगा और इसी तरह से आप लोग को फिर ध्यान का क्वेश्चन आता है तो क्या हो इसका? होगा इसका समीक्षक होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहां देखिए पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाए तो यहाँ क्या है देखिए ये जो अंडरलाइन है ना इसमें से बताना कि सही है गलत है तो यहाँ क्या है सही है सेंटेंस पूरा पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाए इसका मतलब क्या है इसमें से कोई भी चीज गलत नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए होगा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है इसमें चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये चार देखिए अंधकार आप जानते हैं ना क्या होता है अंधकार का आप लोग को सही वर्ड कोरेक शब्द बताना है क्या होगा तो आप लोग बताइए अंधकार कैसे आप लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे अंधिकार इसको कैसे लिख सकते हैं आप अंधिकार अब बताइए चार ऑप्शन में से ये कहाँ पे है तो कहां पे है ऑप्शन नंबर एक इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर एक सही है चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अब देखिए समान, समान अर्थ ही मतलब समान अर्थ खोजना है कमल का समान अर्थ क्या होता है अरविंद होता है इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरी डैश है कि मुझे चार दिन की छुट्टी दी जाए तो हमेशा क्या होता है किसी को रिक्वेस्ट करते हैं मतलब प्रार्थना मेरी प्रार्थना है कि मुझे चार दिन की छुट्टी दी जाए तो हमेशा क्या होता है कि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसी को भी अगर हमको छुट्टी लेना है तो आप लोग को रिक्वेस्ट किया जाता है इसका मतलब प्रार्थना है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस अब इसमें से कह रहा है ना ये चार ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या है सेंटेंस मातृहीन को किस तरह से आप लिख सकते हैं सही वर्ड में तो कैसे लिखते हैं हम लोग मातृहीन को मातृहीन तो हम लोग सही वर्ड यही है मातृहीन लिखने का तो बताइए इसमें क्या क्या है देखिए ऑप्शन नंबर चार में जो है ना आपको ये दिया गया है मातृहीन देखिए इस समय जो गलती ये सब क्या है गलत है मातृहीन ये जो मीनिंग लिखा हुआ है ना मातृहीन का ये गलत है तो ऑप्शन नंबर चार इसका मतलब ऑप्शन नंबर चार सही है तो अब इसी तरह से समानार्थ तो यमुना का समान अर्थ क्या होता है या देखिए अर्कजा होता है समान अर्थ यमुना का अर्कजा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता है क्योंकि वह मारती है ये जो अंडरलाइन है ना इसमें बताना है कि कहाँ गलत है और कहाँ गलत नहीं है अगर आपका गलत है तो सेंटेंस गलत बताना पड़ेगा अगर नहीं है तो ऑप्शन लिख देंगे कि, कि किसी में बदलाव नहीं है तो देखिए क्या, कि कि क्या होता है कि किसी गाय को छूने का अब छूने का क्या होता है किसी को उत्साह तो नहीं होता है ना एक हिम्मत या साहस होना चाहिए तो क्या साहस होगा हिम्मत भी नहीं होगा क्योंकि एक साहस हम लोग करते हैं कि छूने के लिए प्रयास करते हैं तो क्या होगा साहस वर्ड होगा तो यहाँ पे यहाँ पे उत्साह दिया ये गलत है इस जगह साहस होगा क्या होगा साहस होगा इसका कहने का मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर टू सही आंसर होगा चलिए अगले क्वेश्चन क्या है अब देखिए कॉम्प्रहेंशन है ये कम्प्रहेंशन आप सबसे पहले कम्प्रहेंशन जब भी भी किसी एग्जाम में दिया रहेगा तो आप कम्प्रहेंशन मत पढ़िएगा मेरा एक ट्रिक है कंप्रेशन कभी हम नहीं पढ़ते हैं और आप लोगों में बता रहे हैं कि कंप्रेशन कभी मत पढ़िएगा अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है कम्प्रेहेंशन सबसे इजली तरीका है कि आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के बाद उसका ऑप्शन देखिए उसके बाद देखिए कि इसमें कहाँ लाइक कर रहा है उससे आपको क्वेश्चन टेकल हो जाएगा देखिए पाँच क्वेश्चन है मैं आप लोग देखिए कि दो से तीन मिनट में आपको बता रहा हूँ क्या है कि पहला क्वेश्चन का दिया हम पढ़े नहीं है आपको बता रहा हूँ साधु अपना निर्वाह डैश करके करता है क्या करेगा खेती करके बच्चों को पढ़ा करके नौकरी करके और भिक्षाटन तो साधु हमेशा भिक्षाटन करके करता है लेकिन देखिए यहाँ नहीं बट यहाँ खुद दिया हुआ है तो हम लोग क्या है साधु का निर्वाह तो ऊपर में ही भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते थे मतलब कि अपना गुजारा करते थे इसका क्या हुआ मजे से दिन गुजारने का मतलब अपना गुजारा करना तो क्या करके निर्वाह का मतलब ये होता है गुजारा करना होता है इसका मतलब क्या हुआ भिक्षाटन करके होता है देखिए तो गया ना। इसी तरह बैस बैस क्या है ना इसी आवश्यकता देखिए इसमें आपको पढ़ने का कोई जरूरत भी नहीं है आवश्यकता तो होता? जरूरत होता है इसको हम लोग नेसेसरी भी बोलते हैं इंग्लिश तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अब देखिए महत्वाकांक्षी शब्द का उचित अर्थ लिखिए क्या होगा तो किसी को महात्माकांक्षी मतलब कुछ पाने का इच्छा तो देखिए बलवान होना ये तो पहले गलत है दयालु ये गलत है लायक ना होना तो ऑटोमेटिक है कि ऑप्शन नंबर दो बचा है तो इसका मतलब उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा यहाँ हो गया ना कि तो महात्माकांक्षी का मतलब क्या होता है किसी चीज का इच्छा प्राप्त करना इच्छा होना तो क्या होगा ऑप्शन नंबर दो सही होगा चलिए अगला क्वेश्चन क्या है परमार्थ का विलोम क्या होगा मतलब क्या है कि परमार्थ का मतलब क्या होता है इसका विलोम क्या होगा स्वार्थ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या किया अब देखिए ये आपको गद्यांश में मिलेगा कहीं ना कहीं अब क्या झोपड़ी के निपटने से साधु ने क्या किया तो अब ये एक सेंटेंस हमको देखना है कि गद्यांश में कहाँ है झोपड़ी के चूहों से झोपड़ी के चूहों से कहाँ देखिए झोपड़ी के चूहों से आ गया ना आपको मिल गया ना तो निपटने के लिए एक बिल्ली पाली इसके कहने का मतलब आंसर क्या होगा बिल्ली पालना तो बिल्ली पाली तो ऑप्शन नंबर एक सही है देखिए आप लोग कितना ईजी तरीका से मैं आप लोग को टेकल करा दिया तो पी आप लोग पी वाई क्यू का हमेशा एक क्वेश्चन बनाइए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सत्तर से अड़सठ परसेंट क्वेश्चन आता है और पैटर्न यही रहता है और इजी क्वेश्चन आता है तो जितने भी एसएससी जीडी सी जी डी के एक्सपुर क्वेश्चन है बहुत ही नज़दीक आ गया है एग्जाम आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए और प्रैक्टिस सेट दीजिए उससे आप लोग को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा थैंक यू गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच